हेलो भाई जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से जोधपुर हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर अपलोड किया है, तब से बीएड वर्सेस बीटीसी जो है यूपी में भी बहुत ज्यादा जो है इस मामला जो है सक्रिय हो चुका है। और उधर जो है डेलेड वाले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अपना जो है केस करने के बारे में और भी जो आगे की रणनीति है कि किस हिसाब से जो है बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। और वहीं पर बीएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी जो है अपनी कमर कस लिए हैं कि हम कैसे इस मामले को डिफेंड करें, और वो जो है कानून बनाने की बात संसद कर रहे हैं। हम हालांकि उनको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कल जो है बीएड छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि पाठक सत्यम जी, उन्होंने जो है कल इस पर बहुत ही बेहतरीन सा मांग किया है। तो देखना है क्या चीजें हैं, आप लोगों को मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा वो क्या मांग कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हैं, और अगर आप चाहते हो कि आपको अपडेट बिल्कुल सही तरीके से मिले, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए हम सुनते हैं पहले उनकी, उन्होंने मांग क्या क्या किया है उस बारे में हम लोग पहले सुनते हैं, फिर हम लोग आगे की अपडेट के बारे में देखते हैं। दावा किया जाता है कि बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से नहीं बाहर किया जा सकता, तो सरकार मजबूत पैरवी अपने वकील को, अपने सरकारी वकील को, एजी साहब को कोर्ट में खड़ा करके हमारे पक्ष को रखे। हमारी सर सीधी सी मांग है, बीएड का जन्म सिद्ध अधिकार है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, बसपा, सपा, भाजपा, आम आदमी पार्टी या कोई भी हो, अगर वो हमारी लड़ाई को लड़ना नहीं जाएंगे, तो सर हम 30 लाख लोग जो बीएड अभ्यर्थी हैं, वो इन पार्टियों का आगामी चुनाव में बहिष्कार कर देंगे। क्योंकि सर अगर हमारी आवाज को ये लोग नहीं सुनते हैं, तो इन्हें हमारे वोट को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बीएड के छात्रों को लेकर के आप अपना विजन कम से कम स्पष्ट कीजिए। आप बताइए कि बीएड को लेकर के आपकी रणनीति क्या है, और जो भी पॉलिटिकल मंचों पर लोग हैं, वो इन चीजों को लोकसभा विधानसभा में इस बात के लिए, इस अधिनियम को जो कि एक कानून है, उसे संसद के द्वारा, सर ये कानून है, इसमें दो राय नहीं है, कि एनसीटीई द्वारा बीएड को शामिल करना प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, ये कानून है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी इस कानून को और मजबूत लोकसभा या विधानसभा के माध्यम से पारित करवा करके कर देती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आने वाले समय में ये ठोस कानून बन जाएगा। चलिए, तो जैसा कि आपने इनकी जो है वीडियो आप देख ही लिए हो, और बहुत ही इन्होंने जो है मांग किया है कि बीएड का जो हक है, वो बीएड को हक मिलना चाहिए। अभी जो है ये लड़ाई इतनी आसान है नहीं, ना तो बीएड वाले छात्रों के लिए और ना ही डीएलएड वाले छात्रों के लिए। अगर डीएलएड वाले छात्र ये समझते हैं कि मैं रीट को लेकर के मद्देनजर करके बीएड को बाहर कर दूंगा, तो ये इतना आसान अभी नहीं होने वाला है, ना तो डीएलएड वालों के लिए और ना ही बीएड वालों के लिए, क्योंकि अब ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, चाहे डीएलएड वाले बच्चे हो चाहे बीएड वाले बच्चे हो, ये अगर हाई कोर्ट में मामला जाएगा, और हाई कोर्ट से किसी की भी जीत और हार होती है, से कोई मतलब नहीं है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अब इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है समय लगने वाला है। जो पाठक सत्यम जी ने बात किया, उसमें उन्होंने ये मांग किया कि अगर कानून बन जाता है बीएड वालों के लिए, ठीक है, अगर कानून बन जाता है, तो फिर किसी को कोई इसको हटा नहीं पाएगा, क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर में साफ-साफ लिखा है कि अगर बीएड को प्राइमरी में आपको शामिल करना है, तो आपको कानून बनाना नहीं होगा। इसीलिए जो पाठक सत्यम जी हैं, उन्होंने जो है इसकी मांग किया है कि जो है इसके लिए कानून बन जाए, तो पूरा जो झगड़ा है, पूरा जो झगड़ा टंटा जो सब कुछ है, वो सब खत्म हो जाएगा, सभी स्टेट के लिए खत्म हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि चुनाव भी सर पर है, सरकार क्या करती है, क्या चीजें हैं, वो तो आगे देखने वाली ही बात होगी। इसीलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, ताकि आपको सारी अपडेट मैं बता सकूं। वहीं पर हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट को, यानी यूपी टेट को लेकर हम बात करते हैं। तो यूपी टेट की अगर हम बात करें, तो एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है कि बियर गोदाम के पते पर छपाई का ठेका दिया गया था। आप लोग जान सकते हो, अब बहुत से बच्चे हैं जो इसको लेकर नाराज हैं, वो बच्चे यही बार बार कह रहे हैं कि भैया इतनी लापरवाही हो कैसे सकती है 23 लाख और 22 लाख छात्रों के फ्यूचर के साथ। आप यहां पर देख सकते हो, कभी अपडेट आती है कि कार्ड छापने वाली जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, वहां से छपाई की गई है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो बच्चे थे, उन्होंने इसको टाइप किया था, और आज के न्यूज़पेपर जो नोएडा संस्करण है हिंदुस्तान का, इसमें लिखा है कि बियर गोदाम के पते पर छपाई का ठेका दिया गया था। क्या अपडेट देखते हैं, यूपी टीटी परीक्षा में पेपर प्रिंट कराने में पूरी तरह से लापरवाही बरती गई, और दोस्ती के चलते ऐसी फर्म को पेपरों की प्रिंटिंग का ठेका दे दिया गया जिसकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं थी। इसके लिए जारी किए गए पत्र पर जो पता दिया गया था, वहां पर दिल्ली में सालों से बियर का गोदाम चल रहा है। टीटी का पेपर छापने का ठेका राय अनूप प्रसाद की फर्म आरएसएम फिन सर्व लिमिटेड 13 करोड़ रुपए में दिया गया था, जिसे 23 लाख पेपर छापने थे। इसकी फर्म का पता B268 मोहन कोऑपरेटिव एरिया फेज 2 बदरपुर नई दिल्ली के नाम ही ऑर्डर जारी हुआ था। इस पते पर जब फर्म की सत्यता की जांच की गई, तो खुलासा हुआ कि इस फर्म की अपनी कोई प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है, बल्कि यह फर्म ऑनलाइन परीक्षा कराती है।
उसके बाद यहां पर अपडेट आप देख लीजिए, कोई प्रिंटिंग प्रेस मौजूद ही नहीं। राय अनु प्रसाद की फर्म को जो आदेश जारी हुआ उस पर उनका पता भी यहां पर दिया गया है, और साथ ही साथ लिखा गया है कि नई दिल्ली है जो फरीदाबाद बॉर्डर के पास इंडस्ट्रियल एरिया में है। इस पते पर वर्तमान में दिल्ली का एक बड़ा बियर गोदाम है और यह फर्म ऑनलाइन परीक्षा केंद्र चलाती है। इस 4 मंजिला इमारत के बाहर RSM फिनसर्म लिमिटेड का बोर्ड लगा हुआ है। बिल्डिंग के दोनों गेट बंद थे, वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने अपना नाम सुनील बताया, और उससे STF द्वारा बताए गए पते की पुष्टि करने के बाद जब पूछा गया कि यहां पर कोई प्रिंटिंग प्रेस है तो उसने यहां पर प्रेस होने से इंकार करते हुए कहा कि यहां पर उसने कभी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं देखी, या तो बियर का गोदाम है। मतलब कितना बड़ा लापरवाही और कितने उच्च लेवल की लापरवाही हुई है, आप सभी लोग देख सकते हो। मतलब क्या बताएं, मेरे आज मतलब इस न्यूज को जब से मैंने पढ़ा ना, इतनी तेज गुस्सा मुझे आ जाई है कि मतलब 23 लाख फ्यूचर, मतलब कैसे, मतलब आप इसको इतना इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं लोग, ये समझ में नहीं आ रही, ठीक है। और बिना किसी जांच के उनको ठेका दे दिया गया, टाइप करवा रहे हो हाई स्कूल और इंटर वाले छात्रों के साथ में, ठीक है, कार्ड छपने वाली मशीन में तुम पेपर छपवा रहे हो, और साथ ही साथ वो बियर वाला गोदाम निकलता है। मतलब इतने, हमें तो ये लग रहा है कि मतलब ये तो कहो पेपर लीक होगा तो इतने सारे खुलासे हो रहे हैं, पता नहीं चलता हम लोगों को क्या चल क्या रहा है यूपी में, ठीक है। वहीं पर साथ साथ में अगर हम बात करें तो जो है यूपी टेट के एग्जाम डेट को लेकर के आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें लिखा गया है कि 10 जनवरी के पहले जो है पेपर नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, यानी कि भाई समय तो लगना है, लाजमी सी बात है, समय लगेगा, तो 10 जनवरी के पहले जो है पेपर नहीं होगा। वही हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की बात माने तो उन्होंने कहा है कि 2 महीने का समय लगेगा, यानी उनके अकॉर्डिंग तो 28 जनवरी तक पेपर होगा। तो ऐसे में जो है बहुत ज्यादा जो है समस्याएं आगे जो है होने वाली है, ठीक है, यानी उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो 31 जनवरी या जनवरी में ही पेपर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से जो है रिस्पॉन्स आ रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे PNP के माध्यम से हो, PNP पर भी जब कल जाकर वहां पर पता किया गया कि पेपर कब होगा तो वहां पर यही बताया गया कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं, तो यानी कि जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं ना उस हिसाब से तो यही चीजें क्लियर हो रही कि पेपर जनवरी में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप यहां देख सकते हो क्योंकि यार ऐसे लापरवाही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी अगर आप हमको कोई अपडेट और मिलती है, क्योंकि आज भी मीटिंग होने वाली है PNP में, तो अगर PNP में फिर कोई मीटिंग से कोई अपडेट निकल कर आती है तो आपको बताया जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर तो जरूरी करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मस्ट करना, तो जरूर करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।